राजधानी देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा द्वारा लाभार्थी जनसंपर्क चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य मंत्री मधु भट्ट ने वार्ड 25 में पीएम मोदी की योजनाओं को लेकर घर घर जाकर लाभार्थियों से जनसंपर्क कराया। जनसंपर्क के दौरान मधु भट्ट ने कहा कि हमारे द्वारा प्रत्येक बूथ में जाकर लाभार्थियों के साथ संपर्क किया जा रहा है और जिनको मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उनकी सूची भी बनाई जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, लाभार्थियों के साथ हमारा मिलकर जो है कि बूथ में किसको लाभ मिला है, मोदी जी की जो गारंटी है, दूरस्थ क्षेत्र में जो जिस व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है उसको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए पार्टी संगठन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनके साथ लाभार्थी यात्रा भी चल रही है और जिन जिन लोगों को लाभ मिला है हम उनके साथ संपर्क कर रहे हैं, बस्ती बस्ती में संपर्क भी हो रहा है। आज उनके साथ मेरी बूथ नंबर 25 में यहाँ पे गांधी ग्राम द्रोणपुरी में उनके साथ बैठक थी, उनके साथ ही हमने वहाँ पर प्रचार प्रसार भी किया। जिन जिनको लाभ मिला है मैं उनसे स्वयं मिली हूँ, सेल्फी विद लाभार्थी हमने वहाँ पर किया है। साथ में जिन जिन जो जो घर वहाँ पर लाभार्थी घर थे उनके साथ हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर और वो लाभार्थी के हमने स्टिकर वहाँ पे लगाए हैं, उनको अनेकों जो योजनाएं हैं उनके साथ ये संपर्क हुआ। किसी को आवास का लाभ मिला है, किसी को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है, किसी को उज्ज्वला गैस मिली है, इस प्रकार से जब मैंने देखा तो एक बहुत लंबी चौड़ी जो थी हमारे पास वो लिस्ट थी उनके साथ संपर्क के साथ। अब आने वाले सबने सामूहिक रूप से कहा कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और इस बार हम और अधिक से अधिक यहाँ पे अपने क्षेत्र से विजय दिलाएंगे, उनको और अधिक मजबूत करेंगे, ये उन्होंने वहाँ पर संकल्प लिया।